एक समय की बात थी, एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था। वह उसका कोई भी नहीं था, ना ही उसके माता पिता और ना ही उसकी कोई पत्नी थी। वह एक दिन उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली जाती है और व्यक्ति बहुत ज्यादा रोता है और बोलने लगता है, मेरा कोई भी नहीं है इस दुनिया में। अरे भगवान, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा? मैं भला अपनी जिंदगी में ऐसे ही तो अकेला नहीं रह सकता। भगवान, कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। अपनी कोई ना कोई पत्नी बनानी होगी मुझे दूसरी। एक काम करता हूँ, ऐसे तो मैं अकेले नहीं जी सकता, मैं सेठ जी के पास चलता हूँ। इतनी सब बात कहकर यह लड़का सेठ जी की तरफ निकल जाता है और कुछ ही समय के बाद सेठ जी के घर पे जाकर पहुंच जाता है और वहां जाकर उनसे बोलने लगता है, सेठ जी आपकी मुझे बहुत ज्यादा सहायता मांगनी है। मुझे कोई भी पत्नी नहीं मिल रही और जो मेरी पत्नी थी वो मुझे छोड़कर ही चली गई है सेठ जी। अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि अब मैं किसके साथ रहूंगा। ना तो मेरे कोई माता पिता हैं और ना कोई। अच्छा, तो ये बात है, तू मुझसे अपनी पत्नी मांगने आया है। मैं तुझको एक पंडित दिखाई दे रहा हूँ क्या? चला जा। वह इतने बड़े राज्य में तुझको गरीब कहाँ पत्नी मिलेगी यहाँ पर? अगर तू अच्छा कमाता होता तो मैं तेरे लिए कोई अच्छी सी बहू भी दिखा देता। अरे अरे सेठ जी, ऐसा मत कहिए। वह गरीब हूँ तो क्या हुआ, कमाता तो हूँ, उसको भी दो रोटी खिला दूंगा सेठ जी। यह मेरी कोई पत्नी हो मिल जाती तो बहुत ज्यादा अच्छा होता सेठ जी। कुछ तो करो, मेरी पत्नी ढूंढवा दीजिए, मैं उससे शादी कर यह अपने छोटे छोटे बच्चों को खिलाऊंगा। अरे अरे पागल, कैसी कैसी बातें कर रहा है गरीब, चला जा, नहीं तो मैं अभी तुझे अपनी गोली से मार डालूंगा। जाता है या नहीं यहाँ से, या पागल तुझे बताऊं अभी। यह बात सुनकर वो वहां से भाग जाता है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। कुछ ही देर के बाद एक स्त्री सड़क पर रो रही होती है, तभी वह रुककर उससे बोलने लगता है, अरे अरे तुमको क्या हुआ? अब मुझे तो वैसे भी बहुत ज्यादा परेशानी है और मुझे लगता है कि तुम सहायता में हो और तुम्हें किसी की सहायता की जरूरत है। बताओ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ मैं? क्यों रो रही हो यहाँ पर? अरे जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरा एक पति था, वो बहुत ज्यादा शराबी था और वो उसने मुझे तलाक दे दिया और मुझे छोड़कर मुझे सड़क पर डाल दिया है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरे घर वाले भी मुझे अपने घर में नहीं रख सकते क्योंकि अब मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे भगा देंगे। अरे तो ये बात है तो मैं तुमसे शादी करूंगा। मैं वैसे भी बहुत ज्यादा एक अपने लिए पत्नी को ढूंढ रहा हूँ। अब तो तुम ही मेरी दुल्हन बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। मेरी पत्नी भी मुझे छोड़कर चली गई है और तुम्हारा पति, मुझे तो लगता है वो दोनों भाग गए हैं। अब हम दोनों शादी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ठीक है, तुम मेरे पास रात में आ जाना हवेली के पास, मैं तुमको वहीं पर खड़ी हुई मिलूंगी। इतनी सब बात कहकर यह लड़का खुश होकर वहां से चला जाता है और कुछ ही देर के बाद रास्ते में उसको अपना दोस्त दिखाई देता है और अपने दोस्त के पास जाकर उससे बोलने लगता है, और मेरे मित्र कैसा है और क्या कर रहा है इस जगह खड़े होकर? बोल, मैं तो आज बहुत ज्यादा खुश हूँ, तू बता तू कैसा है मेरे दोस्त? ठीक ठाक तो है, और आज तूने ठेला वेला क्यों नहीं लगाया? तेरे पड़ाके खाकर तो अलग ही आनंद आता है, पर तूने आज ठेला नहीं लगाया। अरे अरे तू कैसी बातें कर रहा है, आज तू मुझे पागल बनाना चाहता है क्या? भला आज के दिन कौन ठेला लगाता है? आज के दिन तुझे पता है संडे वाले दिन मैं ठेला नहीं लगाता, और तू इतना खुश क्यों है मेरे दोस्त? कहाँ से आया है बता यार, कहाँ से आया है तू इतना खुश होकर? मुझे तो लगता है कि तुझे कोई नई नवेली दुल्हन दिख गई है ना? भाभी तो तुझे छोड़कर चली गई। अरे अरे मेरे दोस्त, बिल्कुल सही अंदाजा लगाया है तूने। एक हरी साड़ी में बहुत अच्छी मुझे दुल्हन मिली है और उसका भी पति उसे छोड़कर चला गया है। अब मैं उससे शादी करूंगा।
अरे अरे क्या कह रहा है ये तू? वो हरी और वो तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, मुझे तो उसका नाम सुनकर ही बहुत ज्यादा डर लग जाता है। वो एक चुड़ैल है और वो ऐसे ही सबों से शादी कर करके उन्हें मार देती है। तू उससे शादी मत कर, नहीं तो वो तुझे ही मार देगी। अरे अरे पागल कैसी बात कर रहा है, मैं चलता हूँ तेरे पास से, मुझे उसके पास जाना है। तू तो मुझे पागल सा दिखाई दे रहा है, घर पे जाकर गोली खा और अपनी तबीयत ठीक कर ले पागल। वह भला वो इतनी अच्छी लड़की दिख रही है, वो एक चुड़ैल कैसे हो सकती है? चल चल मैं तेरी बातों में नहीं आने वाला, मुझे पता है मुझे एक अच्छी औरत मिल गई है। अरे पागल मेरी बात मान ले, नहीं तो बाद में बहुत ज्यादा पछताएगा तू, और यह वो चुड़ैल तुझे मार डालेगी। मुझे तो उसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो लड़का उसकी बात नहीं सुनता और वहां से चला जाता है। कुछ ही देर के बाद जब रात हो जाती है तो वह उस लड़की की ओर चल देता है और वह उसके पास जाकर वहां पर पहुंच जाता है और बोलने लगता है, अरे वाह तुम तो मेरे सामने ही खड़ी हो, मुझे तो लग रहा था कि तुम टाइम से आओगी ही नहीं। तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो आज, आज हम दोनों की शादी होगी और मैं तुमको अपने घर पर लेकर जाऊंगा। फिर हमारे नन्हे नन्हे छोटे छोटे से बच्चे भी होंगे और हम दोनों कितने खुश रहेंगे ना। अच्छा जी ठीक कह रही हो बिल्कुल। अच्छा तो ये बताओ तुम मेरी बात से सहमत हो या नहीं, तुम मुझसे शादी भी करना चाहते हो या नहीं? अगर तुमने मुझे अपने रूप में देख लिया तो करोगे नहीं? तभी वो औरत एक चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है और बोलती है, अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, तुझे कच्चा चबा जाऊंगी और तुझे खा जाऊंगी। ऐसे ही मैं सबों का खून पी जाती हूँ और उन्हें मार डालती हूँ। अब तू भी मेरे हाथों से मरेगा नालायक, अब मैं तुझे भी कच्चा चबा जाऊंगी और तुझे मार डालूंगी। अब देख कितना मजा आता है और मैं तुझे कच्चा चबाती हूँ। अब देख कुछ ही क्षण में तू मेरे पेट में होगा और मैं शक्तिशाली। अरे अरे मेरा दोस्त तो बिल्कुल ठीक कह रहा था, ये तो एक खतरनाक चुड़ैल है। अरे राम मुझे बचा ले, नहीं तो ये नासपीटी मुझे मार डालेगी। हे नासपीटी चुड़ैल मुझे छोड़ दे, मैं तो तुझसे शादी करना चाहता था और तू तो एक खतरनाक चुड़ैल निकली। अरे अरे अब तो तू कुछ भी कहता रहे, अब मैं तुझे खा जाऊंगी और तू कुछ ही क्षण में मेरे पेट में होगा और मैं शक्तिशाली बन जाऊंगी, पूरी दुनिया पर राज करूंगी मैं। अरे राम ये चुड़ैल तो मुझे मार डालेगी, भगवान कुछ कर, भगवान मेरा सहारा बन, मैं तो तेरा इतना बड़ा भक्त हूँ भगवान, मैं तुझ पर लड्डू चढ़ाता हूँ, कुछ तो कर भगवान। इतनी सब बात कहते ही पीछे से उसका दोस्त आ जाता है और वह उस चुड़ैल में अपने खंजर घोसने लगता है। कुछ ही देर के बाद चुड़ैल उसी जगह तड़पने लगती है और वह चिल्लाती है, आ मुझे छोड़ दे, मुझे दर्द हो रहा है, मैं मर रही हूँ, छोड़ दे। तभी वह चुड़ैल की उस जगह मृत्यु हो जाती है और वह लड़का उसे बचा लेता है। अरे मेरे दोस्त तू आ गया मुझे बचाने, तू तो बहुत अच्छा है मेरे दोस्त, तूने मुझे इस चुड़ैल से बचा लिया। अरे पागल मैं तो तुझसे पहले ही कह रहा था, चल अब जल्दी यहाँ से। इतनी सब बात कहकर दोनों दोस्त वहां से चले जाते हैं और चुड़ैल मर जाती है।